नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लाइफ कंपास पर, जहां हम जीवन को प्रेरित करने और मार्गदर्शन देने वाली कहानियों और शिक्षाओं को साझा करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करें और आपको सही दिशा दिखाएं। आज हम आपके लिए एक विशेष कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है स्वयं के स्वामित्व पर एक प्रेरणादायक बौद्ध कथा। यह कहानी आपको आत्म स्वामित्व की शक्ति और मन की शांति को पाने के महत्व के बारे में सिखाएगी। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं कैसे एक युवा भिक्षु ने आत्म स्वामित्व की राह पर चलते हुए अपने मन को शांत किया और जीवन की सच्ची शांति पाई। तो हमारे साथ बने रहिए और जानिए इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से आत्म स्वामित्व का महत्व। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारी नई कहानियों और प्रेरणादायक वीडियो से जुड़े रहें। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस प्रेरणादायक यात्रा की। हिमालय की शांत तलहटी में फुसफुसाते पाइन और बहती नदियों के बीच एक छोटा बौद्ध मठ स्थित था। यह पवित्र स्थान उन भिक्षुओं का घर था जो अपने जीवन को ध्यान, ज्ञान और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति समर्पित करते थे। उनमें से एक युवा भिक्षु था जिसका नाम तेंजिन था, जिसे उसकी बेचैन आत्मा और आत्म स्वामित्व की लगातार खोज के लिए जाना जाता था। तेंजिन हमेशा से एक जिज्ञासु आत्मा रहा था। छोटी उम्र से ही वह प्रबोधन और मन के स्वामित्व के साथ आने वाली शांति के विचार से मोहित हो गया था। अपने समर्पण के बावजूद तेंजिन अक्सर अपने विचारों और भावनाओं से जूझता रहता था। वह जल्दी गुस्सा हो जाता था, आसानी से विचलित हो जाता था और अक्सर संदेह में डूब जाता था। एक दिन तेंजिन ने बुद्धिमान और सम्मानित प्रमुख लाम डोरजे से मार्गदर्शन मांगा। लाम डोरजे अपने मन की गहरी समझ और साधारण लेकिन शक्तिशाली कहानियों के माध्यम से ज्ञान देने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। लामा डोरजे, तेंजिन ने शुरू किया, मैंने ध्यान और आत्म स्वामित्व के मार्ग को अपनाया है, फिर भी मैं लगातार अपने विचारों और भावनाओं से जूझता रहता हूँ। मैं अपने मन को कैसे जीत सकता हूँ और सच्ची शांति कैसे पा सकता हूँ? पुराने अभयारण्य ने कोमलता से मुस्कुराते हुए तेंजिन को अपने पीछे आने का संकेत दिया। वे चुपचाप पास की धारा के पास चले गए, जिसकी साफ पानी सुबह की धूप को प्रतिबिंबित कर रही थी। लाम डोरजे ने किनारे से एक छोटा चिकना पत्थर उठाया और तेंजिन को दिया। इस पत्थर को धारा में फेंको, उन्होंने निर्देश दिया। तेंजिन ने वही किया जो उसे बताया गया था और देखा कि पत्थर नीचे डूब गया, जिससे सतह पर लहरें फैल गईं। अब इस पत्थर को वापस लाओ, लाम डोरजे ने कहा। तेंजिन उलझन में दिख रहा था। लेकिन गुरुजी, पत्थर तो नीचे डूब गया है, मैं इसे देख नहीं सकता। लाम डोरजे ने सिर हिलाया। बिल्कुल सही, पत्थर तुम्हारे मन का प्रतिनिधित्व करता है तेंजिन। जब तुम उत्तेजित और भावनाओं में डूबे होते हो तो तुम्हारा मन गहराई में डूब जाता है, धुंधला और खो जाता है। अपने मन का स्वामित्व प्राप्त करने के लिए तुम्हें पानी को स्थिर करना होगा। लेकिन कैसे गुरुजी? तेंजिन ने उत्तर जानने की प्रबल इच्छा से पूछा। लाम डोरजे धारा के पास बैठ गए और अपनी कथा शुरू की। कई साल पहले हमारे गांव जैसा ही एक गांव था, जहां अर्जुन नाम का एक योद्धा रहता था। वह अपनी शक्ति और बहादुरी के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन वह अपनी ही आंतरिक उथल पुथल से पीड़ित था। अर्जुन ने एक महान ऋषि की बुद्धिमत्ता का अनुसरण किया जो एक दूरस्थ वन में रहते थे। वह ऋषि अपने असाधारण शांति और अपने मन के स्वामित्व के लिए जाने जाते थे। अर्जुन ने कई दिनों तक यात्रा की, अंततः आर्ष के विनम्र निवास तक पहुंचा। गुरु जी, उसने निवेदन किया, मैं एक महान योद्धा हूं, लेकिन मैं अपने ही मन से पराजित हूं, मुझे आत्म स्वामित्व की कला सिखाएं। ऋषि ने अर्जुन का स्वागत किया और उसे ध्यान की कला सिखाने लगे। हर दिन इस नदी के पास बैठो और पानी को देखो, ऋषि ने निर्देश दिया। अपने विचारों से लड़ो नहीं, इसके बजाय उन्हें नदी की तरह बहने दो। कई महीनों तक
अर्जुन ने ईमानदारी से अभ्यास किया। उसने पानी का अवलोकन किया, जिस तरह से यह बिना लड़ाई के बाधाओं के चारों ओर बहता था, हमेशा एक रास्ता खोजता था। धीरे धीरे उसने इस ज्ञान को अपने मन पर लागू करना सीखा। उसने अपने विचारों और भावनाओं से लड़ना बंद कर दिया, उन्हें बिना संलग्नता के आने और जाने दिया। एक दिन जब अर्जुन नदी के पास बैठा था, उसे एक गहरी शांति ने घेर लिया। उसका मन, जो कभी एक युद्ध क्षेत्र था, अब एक शांत धारा बन गया था। उसने खुद पर विजय प्राप्त कर ली थी। लाम डोरजे ने तेंजिन की ओर देखा। उनकी आंखें करुणा से भरी हुई थीं। आत्मस्वामित्व, प्रिय तेंजिन, अपने विचारों और भावनाओं को जीतने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें बिना संलग्नता के समझने और अवलोकन करने के बारे में है। नदी की तरह अपने मन को बहने दो, प्रतिरोध मत करो और तुम्हें शांति मिलेगी। तेंजिन ने ध्यानपूर्वक सुना। उसके दिल में एक नई उद्देश्य की भावना भर गई। उसने आगामी महीनों को लाम डोरजे की शिक्षाओं का अभ्यास करते हुए बिताया। हर दिन वह धारा के पास बैठता, अपने विचारों का अवलोकन करता, उन्हें पानी की तरह बहने देता। धीरे धीरे उसने अपने अंदर एक बदलाव देखा। गुस्सा, विकर्षण और संदेह धीरे धीरे गायब हो गए। उनकी जगह एक गहरी स्थायी शांति ने ले ली। साल बीत गए और तेंजिन ध्यान और आत्मस्वामित्व के मास्टर के रूप में जाने जाने लगे। उनकी कभी बेचैन आत्मा ने शांति पा ली थी और उन्होंने दूसरों को प्रबोधन के मार्ग पर मार्गदर्शन दिया। जो उन्होंने सीखा था वह ज्ञान। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। हमारे चैनल लाइफ कंपास को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे साथ इसी तरह प्रेरणादायक कहानियों और शिक्षाओं की यात्रा पर बने रहें। धन्यवाद।